अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं सूफी की व्लॉग। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो पहले आप सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबाएं और लाइक कमेंट भरपूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को मैंने टाइटल दिया है एक छोटा सा व्लॉग, क्योंकि एक छोटा सा बिल्कुल व्लॉग है, 3 मिनट का है, तो मैंने उस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत तो की है लेकिन इतना अच्छी तरह मैंने शूट नहीं किया। तो उस दिन हमारा बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था टंडला शहर में और दूसरे मुल्कों शहरों में, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारा माइंड बन गया, हमारा जहन बन गया, हम दोस्तों के साथ तो जाएं किसी जगह पे घूम के आएँ। तो हम दोस्तों ने डिसाइड किया तो हम आज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पे जाएं। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो हम टंडो आदम को यानी गुजरते हुए, क्योंकि टंडो आदम हमारे रास्ते में पड़ता है, हमारे करीब है तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर बादशाह आ जाता है। बादशाह मज़ार नहीं है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई मज़ार है जो बादशाह शहर में वाकिया है। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद आगे की तरफ गए। बहुत मौसम सुहाना था लेकिन बारिश भी बहुत ही हो चुकी थी, जिसकी वजह कीचड़ वगैरह बहुत ही हो गई थी। तो हम बादशाह की तरफ चढ़े, जब चढ़े माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू हो रहा था, धूप भी नहीं थी, तो हमें घूमने में इतनी मुश्किल भी नहीं हुई। मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, मेरे दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे हम, तो हम टुगेदर इनक्वायर गए थे। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों के साथ घूमने में, इन्जॉय करने में, क्योंकि दोस्त होते हैं तो हंसी मजाक होती रहती है, तो सफ़र का भी कुछ पता नहीं होता और थकावट भी नहीं होती। तो यहाँ जाने के बाद हम गए पहले शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पे, जहाँ हमने हाज़िरी भरी, दुआ मांगी, और दुआ मांगने के बाद हमें सुना कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद साहब की भी मज़ार यहीं करीब है, थोड़ा सा पीछे है यानी ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम उसी की तरफ जाने लगे। तो हमने बोला देखें, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई एक बहुत बड़े शायर थे अपने ज़माने के, जिन्होंने सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में शायरी की। उसके बाद हम गए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद साहब के पास के मज़ार पे, जिनका नाम हज़रत शाह हबीब था। उनके मज़ार के जाने के रास्ते में हमें बहुत सी कब्रें दिखी जो उस टाइम के गादी नशीनों की थी, और उन टाइम के जो इंतकाल फरमाए जाते इस दुनिया फ़ानी से रज़ाई हो जाती थी, तो उनकी भी कब्रें वहाँ मौजूद थी। हम अपने दोस्तों के साथ गए, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ घूमते घूमते। हमारे को 3-4 घंटे हमारे गुजर चुके थे वहाँ। ये जो गुजरते हैं आपको तंबूरो, इसे तंबूरो कहा जाता है, ये शाह अब्दुल लतीफ़ बजाया करते थे, और ये हमारे दोस्त थे जिनके साथ हम एंजॉय कर रहे थे, आप देख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों के साथ घूमते हुए और मौसम इतना एंजॉय करते हुए। तो हमारा जहन नहीं था, अचानक जहन बन चुका था गाड़ी पर घूमने का, तो बहुत ही इन्जॉय लगा। उसके बाद हम वापसी अपने घर की तरफ आए। तो 3 घंटे का ये हमारा था टूर। शुक्रिया।